रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर को बनबसा के पास अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बनबसा में सत्ता पक्ष के लोग जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए हैं, जिसको प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार तक दबाने में लगी है। उनका कहना है कि नेपाल के बॉर्डर से लगे जिलों ने भी पहले भी इस बात की चिंता की थी कि बॉर्डर पर कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जिसको आज प्रमाण मिल गया है। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत संवेदनशील भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो ये एक साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस है जो हमारे समर्थकों को भी दुष्प्रभावित कर सकता है और जो हमारी हमारी सुरक्षा को भी, उत्तराखंड की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आपने बहुत ठीक वो निकाला कि ये एरिया जो है पहले से ही माओवाद इन्फेस्टेड रहा है जो है, तो क्या मैं किसी चीज, मैं कोई ऐसे मामलों में मैं कभी भी अपनी कल्पना का उपयोग नहीं करता, मैं तथ्यों का उपयोग करता हूँ। मैंने दो तथ्यों का, एक तो जो नेपाल ने कुछ इशारा किया था यहाँ के प्रशासन तंत्र को, उसकी बात, और दूसरी बात मैंने जो है जो तथ्य आए हैं सामने वो रखे हैं, और इसको किस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है उसमें एक खिलाड़ी तो सामने आ गया है और खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन हो सकता है आप जैसे ही हमारे इशारे को कहे तो हो सकता है वो खिलाड़ी फिर पीछे ही रह जाए, लेकिन कोशिश हो रही है देहरादून से दिल्ली तक इस मामले को हसब करने की। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि हरीश रावत पहले अपने कार्यकाल को याद करें, उनके कार्यकाल में इससे भी जघन्य अपराध हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है और कांग्रेस बात बात पर सत्ता पक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन जब अगर वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली अगर वो सरकार की तरफ उठा रहे हैं तो तीन उंगली उनकी तरफ भी मुझे लगता है कि उठती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का प्रकरण हुआ, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जांच चल रही है, और उस जांच में अगर दोषी होगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए। हर मुद्दे पे कांग्रेस जो है राजनीति करने के लिए खड़ी हो जाती है और सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो उन्हें कोई भी अवसर ऐसा जनता नहीं दे रही है कि वो कहीं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, आरोप लगाने से पहले अपने किए गए जो पिछले जो कार्यकाल था उनका, उस पर भी अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा।